हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ सादा ब्लाउज या कहिए फिर फोर डॉट वाले ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। इसमें मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग बनाऊंगी, पेपर कटिंग मेरी अगली वीडियो में होगी। फिर यहाँ देखिए, मैंने फाइल का पेज ले लिया है, इस पर मैंने ड्राफ्टिंग जो बनाई है वो है, आपको यही सेम आपको बताऊंगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, अगर आपको लगेगा कि मैंने अच्छे से सिखाया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर हम सब स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरी लंबाई जो है 16 इंच है, चेस्ट का जो पार्ट है वो 32 इंच का है, आस्तीन की लंबाई मेरी 10 इंच है, मोहरी उसकी होगी 10 इंच की, और तीरा रहेगा मेरा 13 इंच पर, और गोलाई जो कमर की होगी वो 28 इंच की रहेगी। ठीक है, तो फिर चलिए, यहाँ पर मैंने स्केल देखिए 1:4 का है। यहाँ पर मैंने देखिए सारा सादा ब्लाउज जो है बहुत ही अच्छे से मैंने कम्प्लीट किया है, तो सेम ही मैं इस पर आपको बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले फाइल पर ड्राफ्टिंग बनाने से पहले उसका नाम और जो नाप होता है वो लिखना होता है, और जिस स्केल से हम बनाते हैं वो लिखना होता है। तो फिर चलिए, यहाँ पर मैंने पूरा लिखकर कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले जो मेरा ब्लाउज की जो लंबाई होती है वो हम रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले लंबाई के अकॉर्डिंग ही ब्लाउज बनती है। यहाँ पर मैंने लंबाई जो है वो 16 इंच का है, तो 16 इंच पर ये मैं निशान लगाऊंगी। ये देखिए मेरा ड्राफ्टिंग स्केल है, इसकी मदद से मैं बनाऊंगी, क्योंकि ड्राफ्टिंग बनाते समय इसी स्केल का यूज़ होता है। इसी में हम जो 16 इंच होता है इसी के अनुसार चलते हैं। मैंने 16 इंच में निशान, फिर जो मेरा तीरा होता है उसका हम आधा लेते हैं। यहाँ पर मेरा तीरा था 13, तो उसका आधा मेरा 6.5 होगा, तो मैं 6.5 पर निशान लगा कर उसको सीधे लाइन से मिला दूंगी दोनों साइड से। अब हम जो मेरा आर्म होल का शेप होता है उस पर निशान लगा देते हैं। तो मेरा आर्म होल जो रहेगा वो 7 इंच का रहेगा, तो 7 इंच पर निशान लगाकर हम एक सीधी लाइन खींच करके मिला देंगे, क्योंकि मेरा आधा इंच का जो है सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए मैंने 7 इंच लिया हुआ है। किसी भी ब्लाउज का चेस्ट के अनुसार रखा जाता है, तो यहाँ पर 32 का चेस्ट है नाप, तो उसका हम 4/4 भाग रखेंगे, तो उसमें मेरा आएगा 8 इंच, तो उसमें 8 इंच रखते हैं, उसमें हम एक ऐड कर निशान लगाएंगे। सबसे पहले मैंने जो 7 इंच रखा था वहाँ से निशान लगा लेंगे, ताकि मेरा गलत ना हो। तो 8 इंच मेरा आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर 1 इंच ऐड करते हुए रखेंगे, ये इसका मतलब हमको यहाँ पर 9 इंच रखना होगा। तो 9 इंच पर निशान लगाकर हम मिला देंगे। सेम ऐसे ही आपको ब्लाउज़ में भी कंप्लीट करना होता है, जब हम सिलाई करने जाते हैं या कटिंग करने जाते हैं, तो चाहे पेपर कटिंग करिए फिर कपड़े को कटिंग करिए, ये जो ऊपर मैंने 9 इंच रखा था सेम वही हम नीचे भी 9 इंच रख देंगे निशान लगा करके। इसमें मैंने कहीं से भी मार्जिन ऐड नहीं किया हुआ है, जब हम इसको कपड़े पर या पेपर कटिंग पर करेंगे तब इसमें हम मार्जिन ऐड करके आपको बताएंगे। ये सिर्फ जो ड्राफ्टिंग है वो नाप का है, फिटिंग नाप है जो, वो तो मैंने मिला लिया है। अब हम यहाँ पर गले पर निशान लगाएंगे गले का, तो मेरी जो गले की चौड़ाई रहेगी वो 2.5 इंच की रहेगी, और यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे, और फिर जो मेरे गले की गहराई रहेगी उसको हम निशान लगाएंगे। तो मैंने पीछे की गहराई 4 इंच रखी हुई है, और आगे की जो गहराई रहेगी गले की वो 6 इंच का रहेगा, तो मैंने 6 इंच और 4 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम जो कंधे का पार्ट है उसको हम आधा इंच डाउन करते हैं, तो वहाँ पर आधा इंच डाउन का निशान लगा करके एक सीधी लाइन खींच करके मिला देंगे, और फिर यहाँ पर जो मैंने गले के लिए निशान लगाया है उसको हम गोलाई देते हुए अच्छे से गले का शेप बना लेंगे। अब हम इसको डार्क कर लेते हैं, ये देखिए मेरा हो गया। अब यहाँ पर हम जो आर्म होल का हिस्सा है मैंने निशान लगाया है, वहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे, और इसको भी गोलाई का निशान कर्व रेखा बनाते हुए इसको निशान लगा देंगे।
तीन इंच पे ले जाकर मिला देंगे और आधा इंच अंदर को हम लगाएंगे। जो आधा इंच अंदर वाला पार्ट रहेगा वो मेरा आगे का रहेगा। तो अब हम यहाँ पर भी आधे इंच का शेप देते हुए लाइन खींच कर उसको मिला देंगे कमर के हिस्से पर। अब हम यहाँ पर मेरी बटन पट्टी भी आपको बना देते हैं। हमको बटन पट्टी की ज़रूरत डेढ़ इंच की होती है, तो यहाँ डेढ़ डेढ़ इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी रेखा से मिला देंगे। ये देखिए मेरा बटन पट्टी है यहाँ तक, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमको बस्ट पॉइंट पर निशान लगाते हुए जो डॉट का निशान है वो हम बनाएंगे। तो मेरा बस्ट पॉइंट यहाँ पर 10 रहेगा। तो सबसे पहले हम जो बस्ट पॉइंट कहाँ रहता है वहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाते हुए बीच में वहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर मेरा बस्ट पॉइंट 10 इंच पर है, तो वहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। तो बस पॉइंट के नीचे ही हम कमर पर भी प्लेट डालते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने 4 इंच का निशान लगाया है और डेढ़ इंच जो मेरा पॉइंट है वहाँ से छोड़ते हुए एक पॉइंट लगा लेंगे जो कि मेरी डॉट का निशान होगा। सेम यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर भी मेरा 4 इंच का रहेगा, यहाँ पर भी मैं 4 इंच का निशान लगाते हुए डेढ़ इंच छोड़ते हुए डॉट का निशान बना लेंगे। यहाँ पर भी मेरा 4 इंच का डॉट के लिए निशान रहेगा। तो यहाँ पर भी मैं डेढ़ इंच को छोड़ते हुए निशान बनाऊंगी और जो मेरा आर्म होल वाला हिस्सा रहेगा वो मेरा 3 इंच पर रहेगा, वहाँ पर 3 इंच का निशान लगाते हुए बनाएंगे। जो मेरा पॉइंट होता है वहाँ से हम डेढ़ इंच छोड़ते हैं, फिर लाकर निशान से मिला देते हैं। देखिए ऐसे, वहाँ पर भी हम डेढ़ इंच कम करते हुए पॉइंट से सीधी लाइन लाकर जहाँ पर मैंने 3 इंच का निशान लगाया था उसको मिला देंगे अच्छे से। सबसे पहले मैंने सारे जगह पॉइंट का निशान बना लिया है, फिर वहाँ पर हम एक स्केल की मदद से बना लेंगे, लाइन खींच लेंगे। पहले यहाँ पर ये देखिए मैंने लाइन खींच लिया है चारों डॉट का। तो फिर अब हम आधे आधे इंच का हम निशान लगाएंगे। मेरा जो नीचे वाला प्लेट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ हम पौन पौन इंच का पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम आधे आधे इंच का निशान लगाएंगे, आधा इधर और आधा इस साइड। टोटल मेरा एक एक इंच का प्लेट बैठेगा। ये मैंने पॉइंट बना लिया। अब हम स्केल से इसको अच्छे से बना लेते हैं प्लेट जैसा, ठीक। ऐसे हम इसको फोल्ड करते हुए इसको प्लेट बना देते हैं जिसको हम लोग डॉट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लाउज़ का पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम आस्तीन को बनाते हैं। आस्तीन में हम लोग चौड़ाई जो है उसकी 7 इंच रख रहे हैं और जो मेरी लंबाई है आस्तीन की वो 10 इंच है। तो हम निशान लगा करके एक शेप बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे जो कि मेरे आर्म होल का गोलाई होगी। यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएं, यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर हम 1 इंच माइनस करते हैं जो कि मेरा ब्लाउज का शेप बनता है आस्तीन में, क्योंकि हम लोगों का आगे का थोड़ा पतला होता है। यहाँ पर मैंने देखी एक गोलाई देते हुए आस्तीन का शेप बना देंगे कर्व रेखा में, और फिर एक जो है आधा इंच का अंदर को रहेगा। यहाँ पर देखिए ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बनकर के कंप्लीट है। अब जितना मैंने नाप लिया है वो सब लिख देंगे। तो मैंने गले पर जो वो चौड़ाई थी वो 2.5 इंच था, तो उसको हम लिखेंगे। उसके बाद जो मेरा गहराई था वो लिखेंगे 4 और 6 इंच का, और टोटल मेरी जो थी 9 इंच और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा था बटन पट्टी, तो उसको 10.5 हो गया, तो हम 10.5 वहाँ लिख देंगे। फिर मेरी टोटल लंबाई थी 16 इंच की, तो हम 16 इंच की लंबाई लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आधे इंच का शेप दिया था और मेरे जो आर्म होल था वो 7 इंच पर था, तो वो हम लिखेंगे। और टोटल जो मेरा चेस्ट का चौथा पार्ट होता है वो लिखेंगे। 9 इंच आ रहा था तो मैंने वहाँ पर 9 इंच लिख दिया है प्लस 1 इंच, ठीक है, वो मेरी बटन पट्टी थी। यहाँ पर जो मेरा ब्लाउज आस्तीन होता है वो चेस्ट का चौथा पार्ट और -1 रहता है, यानी 7 इंच हो गया मेरा। वहाँ पर टोटल लंबाई 10 इंच थी, मैंने वो लिखा, और 1 इंच का मैंने शेप दिए थे, मैंने वो लिखा। यहाँ पर मैंने 3 इंच का
गहराई दिया था तो वो लिखा, यहाँ पर भी मैंने 3 इंच का दिया था शेप, तो वहाँ पर मैंने वो सब लिखा। यहाँ पर देखिए मेरी ड्राफ्टिंग बनकर तो अच्छी तरीके से तैयार है। ये देखिए मैंने मेरे फाइल की ड्राफ्टिंग है और ये वाली मैंने जो है वो अभी बनाया है वो है, तो दोनों सेम ही है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट करें। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, जिसकी मैं पेपर कटिंग में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।